दोस्तों आज की कहानी है मम्मी जी, आपका बेटा मेरा खर्च नहीं उठा सकता तो उसकी शादी ही क्यों की। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या बहू, इतनी सारी खरीदारी करके आई हो तुम, पर क्यों? सास उमा जी ने बहू सनिया के हाथ में बैग देख कहा, मम्मी जी बस थोड़े से कपड़े ही तो हैं। सोफे पर बैठती हुई सनिया बोली, पर बेटा अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने ही तो हुए, फिर हर त्योहार पर तुम कपड़े लेती ही हो तो अब क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें कपड़े लेने की। उमा जी बोली, मम्मी जी शादी वाले कपड़े आउट डेटेंड से हो गए, अभी तो नया कलेक्शन आया है, मेरी सहेली ने बताया था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। और देखो कितना सुंदर कलेक्शन है, सनिया उतर सास से सभी ड्रेस दिखाती हुई बोली, बेटा ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर उमा जी अपना वाक्य पूरा करती उससे पहले ही सनिया अपने बैग समेत कमरे में आ गई। सुनो राहुल, मुझे 5,000 रुपये देना। एक हफ्ते बाद सनिया अपने पति से बोली, सनिया अभी पिछले हफ्ते तो 10,000 दिए थे, फिर से इतने पैसे क्यों? राहुल सोच कर बोला, मुझे अपने कमरे के पर्दे बदलने हैं और एक दो और सामान भी लाने हैं। सनिया बोली, पर इन पर्दों में क्या खराबी है, अभी शादी के समय ही तो लगे थे ये। राहुल बोला, मैंने अपने दोस्त के यहाँ देखे हैं पर्दे, वैसे पर्दे सही है, मुझे ये आउटडेटेड लगते हैं, उन पर्दों से हमारा कमरा खिल कर आएगा। सनिया उत्साहित हो बोली, देखो सनिया मैं नौकरी पैसा बंदा हूँ, कोई बड़ा बिजनेस मैं नहीं जो इतना पैसा हर महीने तुम्हें दे सकूँ, मेरे ऊपर घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, समझो इस बात को, तुम हर हफ्ते पैसा पैसा करोगी तो सल ली ये गृहस्थी। राहुल ने उसे समझाया, जब तुम पत्नी के खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की। सनिया मुंह फुलाकर बोली, तुम्हें भी तो पता था मेरी कितनी सैलरी है तो तुमने क्यों हाँ की, क्या बस पैसे के लिए ही शादी होती है? पत्नी हो मेरी तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा, राहुल बोला। पर सनिया मुंह फेर कर सो गई, राहुल को गुस्सा भी आया पर उसने शुभ रहना ही ठीक समझा। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है। अगले दिन राहुल और सनिया के उखड़े मूड को देख उमा जी बेटे से बोली, राहुल ने रात का किस्सा बता दिया। उमा जी सोचने लगी, अभी तो शादी को मैज से महीने हुए, ऐसे मन मुटाव रहेगा तो कैसे गृहस्थी सलेगी दोनों की। चलो बेटा साय नाश्ता कर लो जल्दी से। राहुल के जाने के बाद वह सनिया के कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आप क्यों लाई, मैं ले लेती। सनिया बिस्तर से उड़ती हुई बोली, उसकी आंखें बता रही थी, वो रो रही थी। बेटा तुम्हारी तबीयत सही नहीं तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊँ। उमा जी प्यार से बोली, मम्मी जी तबीयत तो सही है, बस हल्का सिर दर्द है। सनिया नज़र सुराती हुई बोली, जब रात भर जागोगी तो सिर दर्द तो होगा ही, ऊपर से रो भी रही थी। उमा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं तो मम्मी जी सनिया को ऐसा लगा मानो उसकी कोई सोरी पकड़ी गई। देखो बेटा भले तुम्हारी सासू माँ हो पर माँ तो हूँ ना, इतना तो अपने बच्चे को देख समझ सकती हो, अब बताओ क्या बात हुई। उमा जी बात जानती थी पर बहू के मुंह से सुनना चाहती थी, मम्मी जी राहुल को मेरी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें बस पैसे से
ये बोल सनिया ने सारी बात बता दी। बेटा तुम राहुल की जीवन संगिनी हो, उसके सुख दुख की साथी तुम। उसे नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। उसे मानती हूँ तुम्हारे अपने ख्वाब है, पर क्या बेवजह फिजूल खर्ची सही है। क्या वह तुम्हें पैसे दे देता तभी वह केयरिंग पति होता। वह तुम्हें पैसे देने को मना नहीं करता, पर एक हद तक ही ना, क्योंकि उसको भी एक हद तक ही मिलते हैं। फिर ऐसे जिद करके क्या फायदा, जो आपसी रिश्तों में तनाव ले आए। उमा जी इतना बोल रुक गई। पर मम्मी जी मैंने तो जरूरत के लिए पैसे मांगे थे, सनिया सिर झुकाकर बोली। सनिया बेटा सबसे पहले तो जरूरत और शौक में अंतर करना सीखो, क्योंकि शौक इंसान को फिजूल खर्च बना देते हैं, और ये आदत न केवल खुद का मानसिक तनाव देती है बल्कि परिवार में भी कलेश के बीच बोती है। एक औरत का फर्ज होता है पति को समझना और उसकी कमाई से ही गुजार करना, बल्कि कुछ बसा कर भी सलना, तभी वो सही मायने में अर्धांगिनी कहलाती है। देखो सासू तुम्हारी, तुम्हें मेरी बात बुरी भी लग सकती है, पर तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचना। ये बोल उमा जी वहाँ से चली गई। सनिया बहुत देर तक उमा जी की बात सोचती रही। एक बार तो उसके दिमाग में आई, मम्मी जी तो अपने बेटे की ही साइड लेगी ना। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे लगा पर्दे बदलना इतना भी जरूरी तो नहीं जिसके लिए घर में कलेश किया जाए। उसे भी राहुल से ये अब बोला तकलीफ दे रहा था। सच ही तो कहा मम्मी जी ने, मैं राहुल की अर्धांगिनी हूँ, उसकी हर चीज पर मेरा हक है, यहाँ तक कि उसकी परेशानी पर भी। पर मैं तो खुद उसे परेशान कर रही हूँ, उसने सोचा। फिर उसे याद आया कैसे उसकी खुद की मम्मी एक एक पैसा बसा कर रखती थी, और जब पापा की कोरोना में नौकरी चली गई थी तब मम्मी ने कैसे उन्हीं पैसों से ना केवल घर चलाया बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया, वरना तो पापा की बचत सब खत्म हो जाती। जो उन्होंने मेरी शादी को रखी थी वह अचानक उठी नहा धोकर बाहर आ गई और सास के साथ काम करवाने लगी। उसका समक सहकता सेहरा देख उमा जी समझ गई उन्होंने सही व्यक्ति पर बहू को सही सीख दी है।